नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 11 SE वर्सेस Infinix Note 12 Pro 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 11 SE में 6.32 इंच जबकि Note 12 Pro 4G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 11 SE में 2.93 इंच जबकि Note 12 Pro 4G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 11 SE में 0.33 इंच जबकि Note 12 Pro 4G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 11 SE में 178.8 ग्राम्स जबकि Note 12 Pro 4G में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 11 SE से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 11 SE में Super AMOLED जबकि Note 12 Pro 4G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 11 SE में 83.48% जबकि Note 12 Pro 4G में 85.62 मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 11 SE में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 12 Pro 4G में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 11 SE में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Note 12 Pro 4G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 11 SE में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 12 Pro 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 11 SE में Mali G76 MC4 जबकि Note 12 Pro 4G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 11 SE में MediaTek Helio G95 और Note 12 Pro 4G में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 11 SE में 6GB जबकि Note 12 Pro 4G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 11 SE में 64GB जबकि Note 12 Pro 4G में 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 11 SE में अप टू 512GB जबकि Note 12 Pro 4G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi Note 11 SE में Android V11 जबकि Note 12 Pro 4G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 11 SE में 4 कलर्स जबकि Note 12 Pro 4G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 11 SE 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Note 12 Pro 4G की तो वो 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi Note 11 SE में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है।
जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 4G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नोट 12 प्रो 4G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, दूसरा टेक्नो स्पार्क 8P है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी F23 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 9 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।